हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मंगलौर में चुनाव है। अपना चुनाव का दौर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहा है, 10 जुलाई तक बढ़ेगा क्योंकि वोटिंग है। जानने की कोशिश करेंगे, रैंडम निकले हैं कि कौन से बाजार में, किस इलाके में लोगों की क्या सोच है। अभी बाजार में आए हैं, खड़े हुए हैं, अब यहाँ के लोगों की सोच सोचेंगे कि कितना विकास हुआ है। कि दावे बहुत किए जा रहे हैं कि मंगलौर को चमका दिया है भैया, मंगलौर में विकास बहुत हुआ है, तो वो विकास कितना है वो जानने के लिए, लोगों से पूछने के लिए यहाँ के लोगों से निकले हैं। पूछेंगे यहाँ के लोगों से, दुकानदारों से ही पूछेंगे। चलिए पहले तो भाई साहब से पूछते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, मंगलौर में कितना विकास हुआ है? बहुत अच्छा हो रहा है विकास तो जी। मतलब कितना अच्छा का मतलब? हाँ ठीक ठाक हो रहा है, सड़क के बनने भी बढ़िया विकास हो रहा है। कैसा हुआ जो आप बता रहे थे, अभी तो बोलते बंटा धार कर दिया कुछ देर पहले, क्या क्या हुआ? परेशान है, एक तो पुल नहीं है जिस रोड पे, परेशान नहीं है, जाम लगते हैं बहुत। अच्छा, जो हरियाणा जाते हैं गाड़ी परेशान देते हैं। इस बाजार में भी गाड़ी नहीं आ पाती, इस बजाय तय है तो कस्टमर भी बिगड़ता है। ठीक है, सड़क बहुत छोटी होगी। अच्छा, तो फिलहाल के दौर पे मतलब मंगलौर में आपको क्या क्या चाहिए, अभी क्या लगता है कि क्या परेशानियां भी आ रही है? तो जो भी परेशानी है तो होनी चाहिए ना, विधायक जो है उसे सोचना चाहिए हम क्या करें क्या नहीं करें। अच्छा, तो अभी लगता है कि नहीं सोच पाए अभी तक, जो उन्हें सोच रहे काम नहीं करते हैं। काम नहीं करते क्यों, वजह क्या है? पता नहीं, अपना ही काम कर रहे हैं सब, अपना ही है। अच्छा, चलिए और लोगों से जाने की कोशिश करते हैं, और दुकानदारों से पूछेंगे। चाचा है भैया से पूछेंगे, क्या नाम है भैया दुकानदार वाले भैया, कितना विकास हुआ यहाँ पर? बहुत अच्छा विकास हुआ भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब क्या बाईपास लोग मांग रहे हैं, वो तो मना नहीं गई, बन जाए मैं तो फंस रहे हैं जी, कह रहे बना ही है अभी तो, कह रहे हैं अभी तो जी, कह रहे हैं तो बन जाएगा, बन जाएगा। अच्छा, तो अब तक तो बना नहीं, बन जाएगा 2 साल बन जाएगा। अच्छा, 1-2 साल में बन जाएगा, मतलब बातों के बताशे भी चल रहे हैं। चलिए वो भी जानेंगे, बहुत और लोगों से पूछेंगे, यहाँ भी और दुकानदार हैं। चलिए और गली गली में दुकानदार हैं, जानेंगे इन लोगों से ही पूछेंगे, कहाँ के भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ आगे, आ जाओ, कहाँ गए भैया, किससे पूछते हैं? और दुकानदार ये भाई, इनसे पूछते हैं भैया क्या कहना चाहेंगे। अच्छा, अभी आओ आप, क्या कहना, इधर इधर से भाई, इधर से आओ, क्या कहना चाहेंगे भाई जी, क्या नाम है आपका? अरे बताओ तो क्या नाम है आपका? नहीं भैया बताएंगे, कोई नहीं, आप बता दो क्या नाम? नहीं नहीं, आपका वोट बैंक वो नहीं डालेंगे, आपका वोट वो नहीं डालेंगे, आप खुद डालने जाओगे। क्या है मतलब, क्या मतलब, कितना मतलब लग रहा है कि कैसा मंगलौर में विकास हुआ है? दावे तो बहुत हो, नहीं विकास भी आया और हुआ भी नहीं, मजा नहीं आ रहा अभी काम में। अच्छा, मजा नहीं आ रहा काम में, मतलब क्या मजा नहीं, किस चीज का मजा नहीं आया अभी तक? कोई विकास ही नहीं दिख रहा अभी तो। अच्छा, जी इंशाल्लाह आपके विकास हो जाएगा वैसे। अच्छा, तो दावे बहुत हो रहे हैं बस। हाँ दावे हो रहे हैं, काफी दावे हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो आपके बनेगा ना विधायक, इंशाल्लाह वो विकास करेगा, विकास करेगा। मैं ये नहीं पूछूंगा आप किसको वोट दो, मैं ये नहीं पूछूंगा किसके पक्ष में डालो, मैं बस विकास की बात करने आऊँ, कैसा माहौल, किस तरीके का विकास इलाके के है, क्या है जी? भैया बताएंगे, भैया से पूछो। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अफजल। क्या क्या बोलना चाहेंगे, किस तरीके का मतलब माहौल, मतलब विकास किस तरीके का हुआ? सिर्फ एक तरफ है कांग्रेस, काजी निजामुद्दीन जिंदाबाद। अच्छा, तो विकास की क्या क्या सोच चल रहा है? विकास क्या, 2.5 साल का कार्यकाल जो पिछले विधायक जी का था, बड़ा निराशाजनक हुआ। बसपा वाले हैं जी? अच्छा, बिरादरीवाद का दावा करते हैं। तो आपके भी आपके भी तो विधायक रहे कांग्रेस से, वो भी तो फिर उन्होंने तो बतेरे दावे किए, फिर भी मतलब लोगों की विकास होगा, अब विकास होगा। पहले क्यों नहीं हुआ जब कांग्रेस के थे? वो भी पहले कुछ मजबूरियां रहे होंगी, अब विकास होगा। नहीं, अब जब एक बात को मेरी बात सुनिए, पहले मजबूरियां आप साबित कर रहे हैं, मजबूरियां गिना रहे हैं, तो मजबूरियां तो आने वाले टाइम फिर हो सकता है, फिर मजबूरी गिनाने लग जाए, फिर आगे विकास हुआ है? पहले का विकास वो भी तो लंबे अंतराल तक आपके कांग्रेस के विकास हुआ, अब भी विकास होगा, जब जब काजी निजामुद्दीन जीतेगा जब जब विकास होगा। तो नहीं, जो लोगों को जो अभी आए बाईपास की सड़क के लिए मांग रहे हैं, बहुत सारी मांग रहे हैं लोग, कॉलेज मांग रहे हैं, ये सब मांग रहे हैं, वो तो नहीं, तो कब होगा? इतने लंबे टाइम से कांग्रेस के भी विधायक रहे हैं, बसपा के भी रहे हैं, यहाँ तो बहुत ऐसा, तो फिर इतने के बाद होगा। अच्छा, तो पहले भी तो जीते थे, फिर नहीं, क्यों नहीं हुआ? विपक्ष का विधायक क्या कर सकता है? तो अभी भी, अब एक बार अब होगा, अगर मान लीजिए अभी भी ये जीत गए तो विपक्ष में रहेंगे, फिर यही बहाने रहेंगे, बहाना खत्म, पूरा काम। अभी आपने बोला कि विपक्ष का विधायक क्या करेगा, अभी विपक्षी रहे सत्ता में, तो नहीं बात सत्ता में तो बताइए बीजेपी है, फिर कैसे, फिर तो विपक्ष ही रहेगा आप अपने, नहीं मेरी बात सुनो, अभी भी तो विपक्ष रहेगा, फिर बहाने रह जाएंगे, फिर विकास कहाँ जाएगा? बहाना खत्म, काम शुरू। कैसे, अभी तो आप बोल रहे कि विपक्ष का विधायक, बहाना खत्म, काम शुरू, काजी निजामुद्दीन जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात है, देखिए जो अच्छी बात है, वोटर आप हैं, मैं ये नहीं पूछा किसको आप वोट डालें, मैं कह रहा हूँ कि अभी आप जैसे कह रहे हैं विपक्ष का मामला आ रहा है, क्या विपक्ष तो अभी भी रहेगा? बात तो मेरी कोर की, आपकी की बात नहीं, मैं विकास की भी बात कर रहा हूँ, बात कह रहा हूँ, बनने तो उसके बाद विकास शुरू हो जाएगा, बनने तो विकास शुरू हो जाएगा। और लोगों से जाने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को ये नहीं पूछ रहे भैया आपसे कि किसका वोटर किसका है, क्योंकि इससे थोड़ा ठीक नहीं लगता। पूछेंगे भाई, टेंशन नहीं, पूछेंगे टेंशन नहीं भाई, मैं पूछूंगा सबसे, पूछूंगा गली में निकला हूँ ऐसे नॉर्मल तरीके से, भैया एक बार आ जाओगे, पूछेंगे आपसे थोड़ा सा, आपकी ज्वेलर की दुकान अच्छा नहीं लगता कि अंदर जाए, थोड़ा सामान आपका दिखेगा, क्या कहना चाहेंगे अभी फ्लावर के तौर पर मंगलौर में कितना विकास हुआ है, क्योंकि
लोग कई बाईपास मांग रहे हैं, कोई कॉलेज मांग रहा है, कोई कह रहा है भैया जाम वाम बहुत बड़ा था, क्या कितना विकास हुआ है? विकास तो आपके सामने ही है, देख लो इतने, आप बताइए, आप क्या बताए, आप खुद देख सकते हैं ना, तो यहाँ पे कोई नया कॉलेज बना है, जो बना हुआ है पहले बनाया है गर्ल्स कॉलेज, और जो लड़कों के लिए है वो भी नहर के पार है। अच्छा। बिजली की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। अच्छा। रात को आती है जाती है पूरी रात बेकार हो जाती है। अच्छा। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अपना ही फायदा किया है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो चलिए और जनता से पूछते हैं कि कितना विकास हुआ, बाजार में चल रहे हैं फिलहाल के दौर में, और माहौल चेक करेंगे। आप ही बताइए, आप उधर कह रहे हो, अच्छा आप ज़रा पूछ लिए, आप तो वो वाले भैया हो बाहर, आज बाहर, अच्छा हो, अच्छा अच्छा बाहर, अच्छा अच्छा भैया, आ दुकानदार हैं आप, आइए आइए, आ जाओ ना भैया, आ जाओ, ये वॉशरूम गए थे, थोड़ा सा हो सकता है डर के मारे वॉशरूम पहले ही कर रहे हैं, डर रहे थे। क्या लगता है कितना विकास हुआ है, बता दीजिए कितना हुआ है? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बताइए, खुल के बताइए, विकास के बारे में बात करें, आपसे नहीं पूछूंगा आप किसके वोटर हैं, मैं नहीं पूछूंगा, आप विकास के बारे में बताइए, क्योंकि अगर रहेगा तो हो तो सही, पब्लिक को विकास ही चाह रहा है इधर बस। अच्छा। और कुछ नहीं चाह रहा है अभी तक, नहीं हुआ है, हो भी रहा है थोड़ा ही हो रहा है अभी। अच्छा, तो आप मतलब क्या, फिर क्या परेशानियां आ रही है? परेशानी बस ये शिक्षा के लिए ही है, शिक्षा के लिए जी, जाम के लिए, पढ़ने के लिए हमारी माँ बहन है जो रुड़की जा रही पढ़ने के लिए, सब इधर ही हो जाए तो अच्छा रहेगा। शुभ नाम क्या है? शुभ नाम मोहम्मद वसीम है। अच्छा, मतलब सही बात है, अगर पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं बच्चे तो बस गुंडागर्दी फैलेगी, परेशानी आएगी, ये सब वो बात सही है। अच्छा, तो अभी फिलहाल के तौर पे कोई बाईपास भी आप सब मांग रहे हैं जी? बाईपास की तो अच्छी वो चल रही है इधर, की मांग रहे हैं लोगों की डिमांड है, डिमांड भी है और मांग भी रहे, हो भी रहा है काम, ऐसी बात नहीं है इधर जी। अच्छा, नहीं की एक बात सीधा सीधा मैं फंडा कहता हूँ, अभी कुछ कह रहे थे कि विपक्ष में रहता है तब दिक्कत आती है, पक्ष में रहता है तब दिक्कत नहीं, तो पक्ष विपक्ष तो यहाँ चलता रहेगा, कि सत्ता में तो कोई और है, सत्ता में तो दूसरे विधायक, मतलब सत्ता तो किसी और की, यहाँ पर फिर वही होना, सेंटर में अलग है, स्टेट में चाह रहा है कोई भी हो उसमें, तो अभी परेशानी किस बात की, सुरक्षा की दृष्टि से कैसा माहौल है अभी? बस ये जो युवा लोग खड़े गए ना, मैं इनके लिए यहीं पे हो जाए कुछ समाधान तो अच्छी बात है, थोड़ा डर बना रहता है फिर भी? नहीं डर कोई बात नहीं, बता रहे हैं बिजली की समस्या भी, नहीं डर होगा आप किसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं डर, मतलब अपनी नहीं, अपनी बहु बेटियों की, माँ बहन की, इसकी सुरक्षा की डर बना रहता है जी जी, तो इसकी सुरक्षा चाहते हैं आप सब? बस यही चाहते हैं हम सब लोग जी, आप चाह रहे हैं कि विकास हो जो अभी तक नहीं, विकास होगा तो जो आप चाह रहे हैं कि विकास हो जो अब तक नहीं हुआ है, ये आप चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा खुल के बोलिए, टेंशन भी नहीं, विकास ही चाह रहे हैं और कुछ नहीं बस। अच्छा, विकास चाहते हैं लोग बाग, अभी सीधा सीधा कहना है कि परेशानी इस बात की आ रही है कि लोगों को कई सारी समस्याएं हैं, कुछ कहते हैं कि विकास हुआ है तो कुछ कहते हैं कि भैया सीधा सीधा फंडा समस्याएं भी हैं। हाँ रोकेंगे चाचा, एक मिनट रोकोगे, एक मिनट बस, क्या लगता है मंगलौर में कितना विकास हुआ है? विकास तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ से, कुछ नहीं हो रहा, मतलब फिर क्या तकलीफें आ रही हैं? तो कुछ नहीं हो रहा, विकास ही कहाँ है यहाँ पे। अच्छा, विकास कुछ नहीं हो रहा है, आनी है पानी आनी है। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? सड़कें आनी है। अच्छा, सड़कें आनी है, पानी आनी है, तो और चाहिए क्या, यही सब तो चाहिए होती जनता को, सुरक्षा की दृष्टि से वो तो ठीक है। अच्छा, मतलब आपके घर में अगर बहू बेटी रात में निकल सकती है सुरक्षा की दृष्टि से? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो चलिए, पुलिस की व्यवस्था है, तो मतलब आप चाहते हैं कि विकास हो, अभी तक जो विकास नहीं हुआ। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम देवेंद्र है। अच्छा अच्छा, चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं, चलेंगे पूछेंगे लोगों से। भैया जी एक बात सुनोगे? अच्छा, क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुसर्रत है। अच्छा, मुसर्रत। अच्छा, क्या लगता है मंगलौर में कितना विकास हुआ है? मंगलौर में तो बेचारा विकास हो रहा है जी, विकास ही विकास हो रहा है। अच्छा, कैसे, क्या हुआ है? बाजार है यहाँ तो सारा विकास। अरे बाजार विकास नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है आपकी दृष्टि में? बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, कॉलेज के लिए, सड़कों के लिए, बाईपास के लिए, वो विकास की बात, सारी चीजें यहाँ तो। अच्छा अच्छा अच्छा, विकास बतेरा हो रहा है। अच्छा, सड़कें बन रही, सब चीज हो रही है, स्कूल भी है। ठीक है, स्कूल भी है। और महिलाओं से जानेंगे, अभी भाई निकल रही है, शायद बता दें भैया, बच्चों से नहीं पूछूंगा, बच्चों से नहीं पूछूंगा भाई मैं, हाँ बच्चा वोटर नहीं होता, हाँ बच्चों से नहीं पूछूंगा मैं कभी। क्या लगता है भाई जी, कितना विकास हो रहा है? विकास जो है यहाँ पर हाजी सरवत करीम अंसारी ने करा है। मैं किसी विधायक का नाम नहीं पूछूंगा भाई साहब, मैं विकास की बात, जो काम कराएगा उसका, आप किसी की भी बात आप करो, बस मैं विकास की जो बात, जो काम कराएगा उसका तो नाम लेना पड़ेगा ना। ऐसे तो विकास के बारे में तो पूर्व विधायक अपने नाम ले रहे हैं, अपना आप मौजूद अपना ले रहे हैं, तो मैं किसका मानूं? मैं तो सिर्फ विकास की कमी और फायदे पूछ रहा हूं। काम गिनवा दे, जो नाम ले रहे हैं काम गिनवा दे, कुछ ने उनका नाम भी लिया है, कुछ कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, कुछ बसपा का नाम है, तो मैं किसका मानूं? मैं तो पूछता हूं कमियां क्या है, फायदा क्या है यहां पर, जो हमने देखा है वो बताएंगे ना हम तो। अच्छा, क्या अभी क्या चाहते हैं यहां पर? यहां पर जो दिवंगत विधायक है सरवत करीम अंसारी, क्या चाहते हैं मैं ये पूछूं, ताकि आवाज वहां तक पहुंचा सकूं, आप उनके वोटर हो सकते हैं, मैं चाहता हूं क्या चाहते हैं अभी ये पूछूं हम, शिक्षा के क्षेत्र में? हाँ, आप चाहते हैं विकास और हो, विकास हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हो। अच्छा, हम मोंटी भाई को चाहते हैं यहाँ पे। अच्छा,
भाई आपसे ये नहीं पूछ रहा, मैं बार बार कहता हूँ ये मत बोलिए फिर गलत माहौल जाएगा। मैं किसी से ये नहीं पूछ रहा, मैं विकास के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मैं ना पूछा आप कांग्रेस के हैं बीजेपी के हैं, ना मुझे किसी से मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या सुरक्षा की दृष्टि से क्या आप सब लोग चाहते हैं। ओपन में लाइव जा रहा हूँ मैं सीधा, मैं ये नहीं कह रहा आप किसके वोटर हैं, ये नहीं चाहूंगा आपसे बोलिए। मैं पूछूं क्या अभी आप विकास के तौर पे क्या चाहते हैं? सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है नशे का कारोबार बढ़ रहा है, हम चाहते हैं नशा मुक्ति हो यहाँ पे। ठीक है, शिक्षा की दृष्टि से बता रहे हैं कॉलेज वॉलेज नहीं है यहाँ पर? शिक्षा की दृष्टि से कॉलेज भी कम है, बल्कि विधायक सरवत करीम अंसारी जी ने बनवाया। फिर आप बोल रहे हैं आप जिसने उनके वोटर हैं भाई, नहीं सॉरी हम आपसे नहीं पूछेंगे, हम यह पा रहे हैं कि क्या चाहते हैं उम्मीदवारों से। भाई ये क्यों बोल रहे हो? हाँ तो यार वोटर ना, हम बोले उम्मीदवारों से क्या चाहते हैं, पूछ रहे हैं क्या विकास हुआ और क्या चाहते हैं आप वोटर का नाम मत बोलिए भाई। मैं पूछो क्या आप चाहते हैं, समस्या क्या है ये पूछो, या क्या विकास हुआ ये बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, ये आप चाहते हैं जी। ये अभी तक लग रहा है कि ये आपको जो आता है तो वही चाहिए जी जी। ये पूछो भाई, ये नहीं कि आप वोटर हैं उनके, तो ये नहीं भैया आप उनका प्रचार कर रहे हैं, हम प्रचार करने के लिए ना 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 प्रचार नहीं करने आ रहे भाई। हम पूछ रहे हैं आप क्या चाहते हैं, क्या क्या समस्या है, क्या विकास हुआ ये बताइए, क्या लगता है? अच्छा 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 अच्छा, बहुत विकास हुआ जी सरवत करीम अंसारी के टाइम में। फिर आप शुरू हो रहे हो, क्या चाहते हो जो उम्मीदवार, तीन उम्मीदवार है मेरे लिए, बस मैं क्या बोलो क्या आप चाहते हैं? हम तो चाह रहे हैं कि जो प्रत्याशी आपके जो लड़ रहे हैं उनमें सबसे युवा जो चेहरा है वो मोंटी भाई का, और वो ही विकास कर सके। बस ऐसा हो सकता है? तो अभी तक एक बात हो, कितना विकास हुआ, लोग अभी भी समस्याएं गिना रहे हैं, आपके पड़ोसी गिना रहे हैं, आपके पड़ोसी गिना रहे हैं, आपके पड़ोसी गिना रहे हैं अभी तक। आपके लोग कहते हैं कांग्रेस ने किया, आप कह रहे उन्होंने किया, वो भी गिना रहे, आपके पड़ोसी कह रहे हैं, आपके जो हम चाह रहे हैं आपके पड़ोसी कह रहे हैं ना, बगल में पड़ोसी आपके कह रहे हैं कि वो कांग्रेस ने किया, आप कह तो बसपा ने किया, उन्होंने कह रहे हैं वो कांग्रेस ने किया, बसपा वालों ने क्या कहा, वो कुछ मुद्दे हैं अपने अपने, तो वो तभी तो मैंने क्या प्रत्याशियों से प्रत्याशियों से क्या चाहते हैं, किस बात से ये चाहे जी, जो भी प्रत्याशी यहाँ पे जीतता है विधानसभा में वो सड़कें लाइट जो हमें चाहिए और क्या चाहिए, सड़क चाहिए, शिक्षा शिक्षा बिल्कुल चाहिए, शिक्षा कहाँ तक कमियाँ आ रही है क्या आ रही है फिर भाई जी, जो मैं क्या कह रहा आपसे, 2012 में इंटर कॉलेज दिया गया था, वो तो अभी नहीं बना, सिक्कर में खाली पड़ा, वो देखिए देखिए हम कैसा है, वो देख लिया, वो भी देख लिया, वो शायद कौन ले गया था, कांग्रेस या बसपा लाए, फिर मैं जवाब दूंगा, फिर वो ऐसी अभी सूखा पड़ा अभी खाली पड़ा है, लोग नाराज है वहाँ पर, जब हम चुनकावेंगे तो हम अभी तक तो थे उसको उसको, अरे तो अभी ये जवाब दे रहे हैं तो मैं आपका जवाब दे रहा हूँ ना, क्या आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने, अरे मुद्दे कहते हैं पास कराने से अच्छा है कि पहले काम जरूरी है ना, आप तो पास तो बते रहे, बहुत लोगों ने करा दिए, जमीन पे कितना है वो देख रहे हैं ना, वो सिक्कर वाले लोग है ना, वहाँ के लोग नाराज है अभी भी। 2017 तक बहुत ज्यादा विकास हुआ, अभी क्या कोई विकास नहीं हुआ, आपके पड़ोस में ही कुछ लोग कहते हैं कि अभी लाइट की कमी है, लाइट नहीं आती, परेशानी आ रही है, विधायक नहीं है ना, जब से लाइट परेशान कर रही है, जब से विधायक नहीं है हमारे, जब से उनका इंतकाल हुआ जब से लाइट बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, ऐसे कैसे कि लाइट वाले क्या डंडा दे थे लाइट वालों के, हाँ ठीक रखे थे उनको, लेकिन जब से अजीत का इंतकाल हुआ जब से लाइट वालों ने परेशान कर रखा। आपके पड़ोस कहता है कि कोई कहता है कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि बसपा वालों ने काम किया, वो कहते हैं बसपा ने कुछ नहीं कहा, पीछे ही आपके पड़ोस हैं, लाइव में दुनिया बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ढाई साल है क्यों, एक बार कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, क्या किया कांग्रेस ने आप बता दो मुझे, ये लोग जो आप ही के पड़ोस कहते हैं कांग्रेस ने, उन लोगों से ही पूछ लो कांग्रेस ने क्या किया यहाँ, यहाँ जो भी गया बसपा से जो विधायक है, एक बार आपके पड़ोस में कई लोग कहते हैं कुछ काम कांग्रेस ने, मैंने कांग्रेस ने ही किया, उन लोगों से पूछो तो कांग्रेस ने क्या कराया आपके पड़ोस में, आपको बताया होगा उन्होंने, आपको बताया ना उन्होंने क्या कराया कांग्रेस, वही कहते हैं कि जो बहुत सारा विकास उन्हीं के टाइम पे हुआ सब कुछ, एक चीज बता दो, एक जगह बता दो विकास वहाँ कराया कांग्रेस ने, अच्छा हाँ, या जो लोग आपको सीधा सीधा कहे कि यहाँ थोड़ा असमंज है, कांग्रेस वाले कहते हैं हमने कराया, बसपा वाले कहते हैं हमने कराया, बात सही है भैया, आपस में अलग अलग वोटर हैं सभी के यहाँ पर ये है कि अभी जिस माहौल में कर, कौन सा बाजार है, कौन सा इलाका है, मेन बाजार है मंगलौर का हनुमान चौक, अच्छा हनुमान चौक मेन बाजार है ये मंगलौर का। यहाँ से दोनों विधायकों का घर कितनी दूर है, कांग्रेस और बसपा वालों का, दोनों का बराबर ही है, कितना होगा लगभग मेरे ख्याल से 1000 मीटर, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में, भैया रुक जा यार मैं तेरे कहने से थोड़ी पूछूंगा, रुक जा भाई तेरे कहने से थोड़ी पूछूंगा, बच्चों से पूछूंगा, ये कह रहा है मेरे से पूछो इस समय, तो ये देखिएगा और लोगों से पूछते हैं, चलिए और लोगों से कुछ और लोगों को टटोलने की कोशिश करते हैं, आइए मोहन महिलाओं से पूछते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं को कितना सुरक्षा की दृष्टि से चलता है, एक बात तो आइए जी, एक बात बस पूछना चाहेंगे आपसे कि कितना यहाँ सुरक्षित है आप सर, अच्छा कुछ नहीं अभी, थोड़ा महिलाओं से भी पूछेंगे, थोड़ा महिलाओं से भी पूछेंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से कितना यहाँ सेफ और साफ है, नहीं मैं चलूंगा वहाँ द्वारा जाएंगे, कोई बात नहीं महिलाओं की दृष्टि से ही पूछेंगे, नहीं मैं
चलो नहीं, अम्मा नहीं बोलना चाह रही, चले तो ये है आप पब्लिक का रिव्यू, सीधा सीधा कहें कि पब्लिक का रिव्यू है, पब्लिक चाहती है कि विकास के दौर में शिक्षा की दृष्टि पर विकास चाहिए भैया। उन्होंने सीधा कहना है कि यहाँ पर जितना भी है कुछ कांग्रेस बताते हैं कुछ ये बताते हैं कि पता चला, लेकिन कुछ लोगों की समस्या ये है कि बाजार में कड़े हैं, समस्याएं भी लोगों ने बताई है और कुछ खूबियाँ भी लोगों ने बताई है। चलिए 10 जुलाई की वोटिंग बताएगी कि कौन सा वोटर किसके पास गया। आप देख रहे थे सिंह, नमस्कार।